आप हार्पिक की जगह ना इस केमिकल को यूज कर सकते हैं। ये जो केमिकल है ना, ये परफ्यूमेड क्लीनर है। ये टाइल को क्लीन भी करता है और परफ्यूम का काम भी करता है। बदबू को खत्म करने के साथ साथ ये शाइनिंग लाता है टाइल पर। आप हार्पिक की जगह इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको यूज करते हैं हम कभी भी अपनी वॉश बेसन पर, टाइल पर, तो कभी भी जिंदगी में भी खराब होने का खतरा नहीं रहता है। जिस तरह से हार्पिक के अंदर एसिड की मात्रा होती है, बहुत लोग गलती से ज़्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं और ख़राब होने का खतरा रहता है। बहुत लोगों की जो वॉश बेसन होती है ना, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, दाग लग जाते हैं हार्पिक ज़्यादा यूज करने के कारण। हार्पिक भी यूज करने का तरीका हर किसी को पता नहीं है। इस तरीका से दाग लगते हैं, ये देखिए। तो आप वाइट क्लीनर को लेंगे, ये इसी के कलर में है। ये शाइनिंग देगा बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आज ही नया बिल्कुल हमने घर में वॉश बेसन लगवाया हो। आप हार्पिक यूज ना करें तो अच्छा है। हार्पिक जो होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी हमने ध्यान नहीं दिया, सालों गुजर गए किसी चीज़ पर, तब हमें उस चीज़ को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम साफ सुथरी जैसे अभी ये है, नॉर्मली है, ये हल्का फुल्का, ये गंदा है, ज़्यादा गंदा नहीं है। तो इस तरीके पे ऐसी सिचुएशन में हमें हार्पिक यूज नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम इस केमिकल को ले सकते हैं। ये बेहतरीन क्लीनर है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से मैं जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना है, वीडियो को कट ना करें कहीं से भी। तो वॉश बेसन में कभी भी दाग लगते हैं, चिपचिपे जैसे, कभी कभी तो क्या होता है जैसे यहाँ ना पानी बहते बहते इस जगह पर पीले पीले दाग लग जाते हैं, इस जगह पर टॉयलेट सीट में भी लग जाते हैं पीले पीले दाग। पीले दाग जब लग जाए टॉयलेट सीट में या इसमें, तब हम हार्पिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दाग बहुत खतरनाक होते हैं और हार्पिक उसको एक ही बार में हटा देगा, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। हमें जो हल्की फुल्की गंदगी है इस तरीका की, हफ्ते में एक बार हमको इसको यूज करेंगे तो कभी भी जीवन में उस पर दाग लगेंगे ही नहीं। ये क्लीनर एक शाइनिंग लाने वाला क्लीनर है। इसके बारे में 99% तक लोगों को मालूम नहीं है। इसको भी यूज करने का मैं तरीका बताऊंगा इसी वीडियो में। तो देख सकते हैं, कभी भी आप वॉश बेसन साफ कर रहे हैं, चाहे वॉश बेसन नहीं है, कोई घर में हमने फर्श टाइल लगवा रखी है बाथरूम की, किचन की, तो उसमें भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीका से हम पानी मारेंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये निशान है, दाग है, इनको हम देखिए सेकंडों में रिमूव कर देगा ये केमिकल। अब देखिए इसको हम डालेंगे इसके ऊपर। ऐसी कमेंट ना करें कि ज़्यादा गंदा नहीं है, गंदी चीज़ को सांप करके दिखाएं। खास करके इस टाइप का कमेंट आता है मेरे पास में, तो ऐसी कमेंट ना करें, केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस तरीका का ना कोई जूना ले लेना है, ये बर्तन साफ करने वाला जूना है, घर में महिलाएं इससे साफ करती हैं बर्तन। ये 10 रुपए की पट्टी हरी जैसी में आता है, इसको रखें आप, ये बहुत ही बेहतरीन गजब का काम करता है। इस तरीका से रगड़ेंगे। इस केमिकल को डालने के बाद में कम से कम आपको 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीका से रगड़ना है। देखिए इस तरह से रगड़ लेना है। आप चाहें तो जैसे स्टील का ये नल होता है ना, इस पर भी आप रगड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके धोते हैं और देखिए इसका शाइनिंग। तो देख सकते हैं इस तरह तरीका से दोस्तों शाइनिंग लाता है वॉश बेसन की टाइल। देख सकते हैं जैसे अभी बिल्कुल अभी खोल करके लगाया हो। हमारा स्टील का नल भी देख सकते हैं। ये केमिकल बहुत ही गजब का है दोस्तों। हार्पिक की जगह इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। कभी भी खराब नहीं होगा, जीवन में भी वॉश बेसन की टाइल खराब नहीं हो सकती, गारंटी लेता हूँ मैं 100%। जिंदगी में भी इसकी शाइनिंग जाने वाली नहीं है, इतना बेहतरीन केमिकल है। तरीका यही है यूज करने का। हार्पिक जो होता है उसके अंदर एसिड होता है, अगर उसको बार बार यूज करते हैं ना तो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है हमारी कोई भी टाइल। हार्पिक के अंदर तेजाब होता है हल्का, ठीक है।
तो इस क्लीनर को वाइट क्लीनर है, आपको ये बाजार में बड़े किराना स्टोर पर भी मिल सकता है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे मैं दे दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, इसको देख करके आप ला सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ऐसी ऐसी टिप्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और टिप्स में, तब तक के लिए नमस्कार।